इस विषय पर बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। बेटियों पर होने वाले आसुरी प्रहारों की वारदातें देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती हैं। लड़कों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर माता पिता की है, हर नागरिक की है, मेरी है, आपकी भी है। और इसी संदर्भ में कई बातें आ रही हैं। एक इस प्रकार के जो कन्विक्ट होते हैं उनको एक संविधान में मर्सी पिटीशन का अधिकार दिया गया है, और मैंने कहा है कि इस पर आप पुनर्विचार करिए। यदि मर्सी पिटीशन के अधिकार को, यदि ऐसे केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पिटीशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें इस प्रकार के किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं है। अब ये सब हमारी संसद पर निर्भर करता है, क्योंकि उसमें एक संविधान होना, संविधान संशोधन होना, लेकिन उस दिशा में हम सबकी सोच एक आगे बढ़ रही है। महिला सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसका उल्लेख भी किया गया। इस विषय पर बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। बेटियों पर होने वाले आसुरी प्रहारों की वारदातें देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती हैं। लड़कों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर माता पिता की है, हर नागरिक की है, मेरी है, आपकी भी। और इसी संदर्भ में कई बातें आ रही हैं। एक इस प्रकार के जो कन्विक्ट होते हैं उनको एक संविधान में मर्सी पिटीशन का अधिकार दिया गया है, और मैंने कहा है कि इस पर आप पुनर्विचार करिए। यदि मर्सी पिटीशन के अधिकार को, यदि ऐसे केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पिटीशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें इस प्रकार के किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं है। अब ये सब हमारी संसद पर निर्भर करता है, क्योंकि उसमें एक संविधान होना, संविधान संशोधन होना, लेकिन उस दिशा में हम सबकी सोच एक आगे बढ़ रही है। Well, Abhishek Kapoor, our executive editor, is with us, and very, very strong statement that is coming in from the President of India, Abhishek, especially when it comes to mercy petitions. We haven't seen any such capital punishment being given after the 2004 rape case, and at this point in time, this is what the President seems to be talking about, amendments that need to be done in the Constitution, looking at the scene of the hour. होने वाले आसुरी महिला सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसका उल्लेख भी किया गया। इस विषय पर बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। बेटियों पर होने वाले आसुरी प्रहारों की वारदातें देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती हैं। लड़कों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर माता पिता की है, हर नागरिक की है, मेरी है, आपकी भी। और इसी संदर्भ में कई बातें आ रही हैं।
एक इस प्रकार के जो कन्विक्ट होते हैं उनको एक संविधान में मर्सी पिटीशन का अधिकार दिया गया है, और मैंने कहा है कि इस पर आप पुनर्विचार करिए। यदि मर्सी पिटीशन के अधिकार को यदि ऐसे केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पिटीशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें इस प्रकार के किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं है। अब ये That's a very, very strong statement coming in from President Ramnath Kovind's side. Abhishek Kapoor, our executive editor, is with us. And Abhishek, looking at how the situation is panning out, we are looking in current days that you have unfortunately an upward trend when we are looking at rape cases from an 8-month-old to an 80-year-old. Such kind of scenes that are being witnessed, especially when it comes to constitutional reforms, there should be no mercy for rapists at all.